प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, इट इज़ फंडामेंटली ए प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम. जो एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का, वो बैक बर्नर पे चला जाता है और प्रॉफिट मेकिंग बिकम्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट. जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम एज अ होल अगर इसको देखना, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी हो, ये इट्स स्टिल रिलायंट ऑन द ओल्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. यू नो, वी नीडेड टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल वर्कर्स. सो देयरफॉर व्हाट वी डिड वाज के हम लोगों ने वो वाले स्कूल्स बनाए जो कि एक मोनोटोन थिंकिंग में स्टूडेंट्स को तैयार करे, सो दैट दे बिकम फैक्ट्री वर्कर्स, दैट सो दैट दे बिकम इंडस्ट्रियल वर्कर्स. इसमें ये बहुत ज़रूरी था कि वी डोंट क्वेश्चन व्हाई, राइट, वी जस्ट डू व्हाट वी आर टोल्ड, वी कन्फॉर्म. कन्फॉर्मेंस एक बहुत बड़ा एलिमेंट था हमारी स्कूलिंग के फाउंडेशंस का. क्रिएटिविटी इज एज इम्पॉर्टेंट एज लिटरेसी इन एजुकेशन. कि जो ये इवॉल्विंग नीड्स हैं, अगर हमारे बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी हो, वो इवॉल्व कर सकता है. परफेक्ट. सो बेसिकली दैट इज फंडामेंटल एंड दैट इज मिसिंग इन आवर एजुकेशनल सिस्टम. होम स्कूलिंग ये कहता है कि यार आपका जो बच्चा है उसके पास अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ है, ही इज गॉट सम यूनिक यू नो वीकनेसेस दैट यू नीड टू ओवरकम. ठीक है, हाउ अबाउट यू नो वी बेसिकली एनालाइज दोज and we generate learning for a self-based learning and interest-based learning for the child. So, फिर जब मैंने हल्की सी टीचिंग की और मैंने realize किया कि यार मतलब there are so many undue pressures that students are being subjected to at school कि जिसके बगैर you know they can really start performing. We're basically getting back to our own origins on how we got educated, how we created thinkers like Ibn al-Haytham, like Abu Ali Sina. Right? Did they go to schools? No, they did not. आप उनकी बात कर लें Albert Einstein की, right? He was basically, you know, sidelined from school. उसको तो मतलब एक कह दिया था कि यार ये एक नालायक किस्म फारिग आदमी है, right? आप Alexander Fleming को देख लें. Thomas Edison के साथ ये हुआ. Let's think about what would have happened with Edison, for example, had he been, you know, schooled in this schooling system. We wouldn't have even had the light bulb. होम स्कूलिंग जो है, इट होन्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनस्कूलिंग आवर माइंड्स एंड वी वांट टू बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. ठीक है, वी नीड टू गिव अप द नोशन दैट यू नो एजुकेशन इज समथिंग दैट विल ओनली कम थ्रू स्कूल. दूसरी चीज जो हमने रियलाइज करना है एज अ पार्ट ऑफ द अनस्कूलिंग प्रोसेस इज दैट लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग एंड इट इज लाइक बेस्ट डन व्हेन इट इज आउट ऑफ इंटरेस्ट. तो पेरेंट का जो एक इंटरेस्ट होता है वो एक टीचर का नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट टीचर नहीं होता, एक फैसिलिटेटर या कोच का होता है. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है, पाकिस्तान क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ. आज एक बड़ा डिफरेंट और यूनिक सा सब्जेक्ट लेकर आए हैं, इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर ज़्यादा बात ना पाकिस्तान में होती है ना हमारे पॉडकास्ट के अंदर होती है. लेकिन फॉर्चुनेटली हमें किसी ने, मेरे बहुत अच्छे कलीग हैं, दोस्त हैं अब्दुल्ला, उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी किसके ऊपर आप करें. And since I'm also looking for some options for my kids as well, कि यार अच्छा education system हमारा तो बिल्कुल बेकार है, schools बिल्कुल अच्छा कुछ पढ़ा नहीं रहे होते, तो क्या किया जाए. और होम स्कूलिंग के ऊपर मैं बहुत अरसे से जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऐसे साहब मुझे जो है वो मिल गए हैं जिनसे मैं इसके ऊपर एक डिटेल गुफ्तगू कर सकता हूँ. और आई होप के बजाय इसके हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज सब्सटेंशियल सॉल्यूशन. उसके ऊपर हमने डिस्कशन करने के लिए दावत दी है आज उमर वली साहब को. थैंक यू सो मच उमर भाई. थैंक यू सलमान, थैंक यू फॉर हैविंग मी. इंडीड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट यू नो बेसिकली इज टेकिंग राइज इन पाकिस्तान, और उसकी ज़रूरत भी है. यू नो जो हमारे करंटली एजुकेशन के हालात हैं, जिस तरह से आपने बताया, ख़ास तौर पे मतलब प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में देयर इज़ अ नीड फॉर ड्रास्टिक रिफॉर्म. हमारे मतलब जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उनमें से कई ने मतलब डिफरेंट एंगल से आके अप्रोच करने की इसको कोशिश की है, लेकिन शायद ये एक ऐसा जाविया है कि जिसको अभी तक हम लोग प्रॉपरली ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया. अच्छा उमर भाई, आपका थोड़ा सा तरुबी मैं ऑडियंस को करा देता हूँ. Sure. आपने टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रहे हैं, इस्लामाबाद में ही आप टीचिंग? जी जी, मैंने शुरू में मतलब कुछ अर्सा इस्लामिक ग्रामर स्कूल में टीचिंग की थी एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर,
मेरा प्रोलिफिकली करियर मतलब टीचिंग में उसके बाद से तो चेंज हो गया था, आई डाइवर्टेड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, लेकिन एक साल डेढ़ साल मैंने मतलब यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाया है, तो जिसकी वजह से मुझे एक थोड़ा सा एक्सपोजर एडेड मिल गया था कि यहाँ पे स्कूल्स में क्या चल रहा है. जी पाकिस्तान में भी काम किया, यहाँ पे कुछ मतलब लाइक रफली अबाउट 10-8 ईयर्स यहाँ पे पाकिस्तान में काम किए, फिर मतलब 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे. ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज मेरे मतलब बच्चे जो थे देवर ऑल इनरोल्ड इन स्कूल ओवर देयर, तो आई हैड अ वेरी पैशनेट इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग एट स्कूल ओवर देयर. प्लस ये कि फिर मतलब जो एजुकेशनल पॉलिसीज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट्स को देख के, और ख़ुद भी मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ प्रीटी यू नो डेवलप्ड व्हेन इट कम्स टू इट्स एजुकेशन पॉलिसी, इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, तो उनको मैं साथ साथ इन टैंडम आई यूज़ टू कीप स्टडीइंग एंड कीप नोटिसिंग what impacts that has on education in schools in Australia. So that is something jo ke matlab you know basically puts in my profile. Transformation ka mera waise matlab ek profile hai lekin wo tech transformation related hai, lekin as a certified transformation specialist mujhe itna zarur andaza ho gaya hai ki yaar education mein transformation ki zarur zarurat hai, and maybe you know we need to start knocking at the right doors to get this thing happening. Acha Pakistan ke andar to hum pehle we'll talk about very briefly about the education system in Pakistan. You've been through the private system. Yep. I've studied. I'm not sure aapki schooling kahan se hai. Ji, meri schooling jo thi, it was also from a private schooling system. Maine matlab the city school jo ek yahan ka ek namwar school, mashhoor school mana jata hai. Back in those days, it was like quite popular, even more popular than it is today, because abhi to matlab aur bhi zyada schools aa gaye. Wahan se maine apni private schooling ki thi. और दैट्स बेसिकली मतलब मेरा जो स्कूलिंग का जो वो है बैकग्राउंड वो यहाँ पे है, तो दैट इज़ वेयर आई गॉट माय एक्सपोजर एज वेल यहाँ के स्कूल सिस्टम्स को, मतलब एक तरह से एक फर्स्ट हैंड जैसे कहते हैं, बिकॉज यू बीन थ्रू द इंटायर पाइपलाइन, यू नो व्हाट इट हैज़ टू प्रेजेंट, क्या उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं या क्या उसके करंट सिनेरियोज हैं, वो थोड़ा सा मतलब तो मेरा भी ये रहा ना, मैं आई रिमेंबर के बैक इन अर्ली 90s सिटी स्कूल और ये बीकन हाउस और ये आना शुरू हुए. जी जी. एंड आई वाज आई थिंक 7 और 8 ग्रेड में था. एग्जैक्टली. तो हम ये मॉडल स्कूल्स जो इस्लामाबाद के अंदर इनमें पढ़ते थे, दे वर यू नो कंसीडर्ड एज द गुड स्कूल्स ऑफ इस्लामाबाद. ट्रू. लेकिन वहां पर भी हमें बहुत सारे इश्यूज बाहर नजर आए. हम बहुत कुछ अभी भी मैं समझता हूं कि करंट में जब स्कूल सिस्टम्स को देखता हूँ तो उसमें उस तरह के इश्यूज जैसा कि हमारे स्कूल में थे उससे बहुत ज़्यादा है, वर्स्ट हो गया. जी. लेकिन मसला उस एजुकेशन सिस्टम में भी था जब हम पढ़ रहे थे. ऐसा ही है उसकी आपकी बीइंग फ्रॉम द प्राइवेट सिस्टम आपकी ऑब्जर्वेशन. देखें बहुत मिलती जुलती है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, इट इज़ फंडामेंटली ए प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम, दे आर मोर लाइक यू नो प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेट्स. तो जो एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का वो बैक बर्नर पे चला जाता है और प्रॉफिट मेकिंग बिकम्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये कि जी जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम एज अ होल अगर इसको देखना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी हो, ये इट्स स्टिल रिलायंट ऑन द ओल्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि आपके वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है वेस्ट से मगरब से हमारी तरफ जो है सॉरी मशरिक वेस्ट से वेस्ट से ये जो है हमारी तरफ एक सिस्टम आया, इम्पोर्ट किया गया कि जी मतलब और वो बेसिकली हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिस्पॉन्स में यू नो वी नीडेड टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सो देयरफॉर व्हाट वी डिड वाज कि हम लोगों ने वो वाले स्कूल्स बनाए जो कि एक मोनोटोन थिंकिंग में स्टूडेंट्स को तैयार करे, सो दैट दे बिकम फैक्ट्री वर्कर्स, दैट सो दैट दे बिकम इंडस्ट्रियल वर्कर्स. इसमें ये बहुत ज़रूरी था कि वी डोंट क्वेश्चन व्हाई, राइट, वी जस्ट डू व्हाट वी आर टोल्ड, वी कन्फॉर्म. कन्फॉर्मेंस एक बहुत बड़ा एलिमेंट था हमारी स्कूलिंग के फाउंडेशंस का. अच्छा ये तो हो गई बात 50 से वर्ल्ड वॉर टू के बाद, ठीक है ना जी. आगे चलते चलते हुआ ये कि इन्होंने इन द वेस्ट दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार टाइम्स आर चेंजिंग, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब नॉलेज बेस्ड मतलब इंफॉर्मेशन एज आती जा रही है, सो वी हैव टू इवॉल्व. अच्छा उसमें वी हैड मैनी थिंकर्स कम अप, वी हैड लाइक यू नो बड़े नामवर नाम थे, सर केन रॉबिन्सन है फॉर एग्जाम्पल, वी हैड यू नो एल्फी कोहन है, वी हैड जॉन होल्ट और ये जॉन टेलर गैटो, इस तरह के जो मतलब बड़े नामवर किस्म के नाम थे, दे वर एजुकेशनिस्ट्स
they were actually educationists plus education policy makers. इन्होंने कहा यार something's not right, ठीक है, हम लोग जो produce कर रहे हैं that is not going to suit us, ठीक है. So in the future they have started making मतलब you know sort interjections within their education system to bring it at a level where they can actually make creative thinkers, they can generate creativity while they're educating. Currently where we stand, creativity is as important as literacy in education, if not more. Uski wajah kya hai, hum log abhi idhar baithe hain 2024 mein, theek hai ji, hamare bachche jo abhi schools mein enroll ho rahe hain, theek hai, unhone 2024 में एनरोल होते हैं, 2085 तक उन्होंने रिटायर कर जाना है, राइट? 2085 तक क्या जरूरियात होंगी, ये मैं और आप, हम तो अगले 5 साल की जरूरियात भी नहीं जानते. इतनी जल्दी से दुनिया इवॉल्व करती जा रही है, इतनी जल्दी से एक एक चीज ट्रांसफॉर्म करती जा रही है कि हमें अगले 5 साल का नहीं पता, ठीक है. वो जाके 85 मतलब आज से 60 साल बाद मतलब यू नो दुनिया क्या होगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, वी डोंट नो. हाँ एक चीज जरूर है कि जो ये इवॉल्विंग नीड्स हैं, अगर हमारे बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी हो कि वो इवॉल्व कर सकता है, परफेक्ट. सो बेसिकली दैट इज फंडामेंटल एंड दैट इज मिसिंग इन आवर एजुकेशनल सिस्टम. ये चीज जो है एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है. अच्छा इसमें ये तो हो गया हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, वो हम भी उसी में से गुजरे, आप भी उसी में से गुजरे जी, और इन अ वे अनफॉर्चूनेटली हम भी वही इंडस्ट्रियल वर्कर्स या ज़ॉम्बीज में आपको कहता हूं कि वो वी आर नॉट द ऑड वंस आउट, वी आर एक्चुअली दोस जो कि वो मशीन में से निकल रहे हैं एक ही सांचे के अंदर. एग्जैक्टली. हाउ डिड यू ब्रेक दिस बैरियर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज़ एक तो ये है कि like you said, like yourself, I was somebody who always used to think about this while being a student as well. ठीक है. अच्छा फिर जब मैंने हल्की सी टीचिंग की और मैंने रियलाइज किया कि यार मतलब there are so many undue pressures that students are being subjected to at school कि जिसके बगैर you know they can really start performing. मतलब मैं एक अब अपनी तारीफ ही करना चाहता हूँ, but as a teacher, I realized that when I finally bid farewell to that school, they were like literally kids who were hanging on to me. You know, and I felt really bad about that, and that gave me food for thought. कि यार ये हो क्या रहा है? अच्छा एक उस वक्त तक I wasn't like you know attuned to the concept of homeschooling, इतना ज़्यादा वो नहीं था. फिर मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया और मेरे बच्चे वहाँ के स्कूल्स में पढ़ना शुरू हुए, तो मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि यार kids are actually enjoying school more than they do back in Pakistan, and I'm talking about public schools, and despite the fact कि वहाँ पर भी schooling के shortcomings हैं, ऐसी बात नहीं है. मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर वेस्ट के अंदर मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 10, 0 to 10, अगर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 5 out of 10 होंगे, तो पाकिस्तान में यू आर स्टिल एट अबाउट 1 out of 10. ठीक है. सो द इम्पोर्टेंट थिंग टू मेंशन हियर इज कि इवन दे एट देयर स्कूलिंग लेवल एट आर्ट आर एट अ 5 out of 10. दे आर नॉट लाइक देयर एट द पिनिकल राइट नाउ. उन्होंने कुछ तरीके निकाले हुए हैं, दे हैव सेलेक्ट स्कूल्स फॉर वेरी हाई परफॉर्मिंग चिल्ड्रन, प्लस उनकी कम्युनिटी इज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू सर्टन ग्रुप्स, तो वो दैट इज़ देयर. बट इन पाकिस्तान नो, वी आर जस्ट स्टिकिंग टू दैट सेम 50s वाला जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद वाला सिस्टम है, एंड वी आर स्टिल देयर. एवरीथिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सिंस देन बाय द वे. हर चीज़, आप कहीं बैंक में जाते हैं, बैंकिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड. 80s का बैंक और आज का बैंक टोटली डिफरेंट है. टेक्नोलॉजी की तो आप बात ही भूल जाए, ठीक है. टेक्नोलॉजी इज लाइक टोटली डिफरेंट. यू नो समबडी फ्रॉम द 80s वुड हैव पास्ड अवे इन द 80s, उसको आज आप ले आए तो वो कहेगा यार मुझे कहाँ छोड़ दे, ही बी वेरी कंफ्यूज्ड, राइट. एवरीथिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, यू नो बैंकिंग, इकॉनमी, सो आपके सारे सेक्टर्स ट्रांसफॉर्म कर गए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन का जो सेक्टर है खास तौर पर पाकिस्तान में, वो डीजेनरेट हो गया और पीछे चला गया. और पीछे जाने की वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर जो एक 1.0 लेकर आए थे, वो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम वाला, दैट वाज ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड. सो यस, एंड इट्स अ प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम दैट जस्ट जनरेट्स फैक्ट्री वर्कर्स. हमारे यहाँ थिंकर्स नहीं है, राइट. वी हैव बिकम अ कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी. ऑल्दो हमारे पास सबसे ज्यादा जो मीडियन एज ग्रुप है, वी हैव गॉट द रिचेस्ट मीडियन एज ग्रुप, वी हैव यंग माइंड्स एट आवर डिस्पोजल, but we are not producers, we are not inventors,
हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, उन मुल्कों का कंज्यूम कर रहे हैं जहां पे एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जहां पे एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी को होन करता है और इनकरेज करता है, हम लोगों का कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ सिस्टम्स की बात होती है, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की बात करें, आई अटेंडेड न्यूमरस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एजुकेशन के ऊपर, एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट यू नो डिफरेंट मॉडल्स इन द वर्ल्ड, लाइक फिनलैंड का मॉडल, लाइक जापान का मॉडल, लाइक इवन ताइवान का मॉडल, इस तरह के मॉडल्स डिफरेंट, सिंगापुरियन मॉडल, ठीक है। डू यू थिंक दैट कीपिंग इन माइंड आवर कल्चरल ट्रेडिशनल रिलीजियस ऑल दोस एलिमेंट्स इंटैक्ट, we can adopt any of such models for Pakistani students? Zaruri hai, lekin mushkil hai. Isme challenges hai. Mushkil to nahi kahunga, matlab isme challenges zarur aayenge. And you see, hamara jo mind hai, wo culturally aisa attuned hai to the standard and traditional way of schooling. Ab वैसे सिर्फ हमारा नहीं है ये, मतलब बाहर भी, मतलब यू नो होम एजुकेशन बेस्ड, मतलब जो एक रेजिस्टेंस है वो है, ठीक है, बिकॉज यू नो ट्रेडिशनल एजुकेशन हैज बीन देयर फॉर दीस कंटेम्प्रेरी 70 इयर्स। अच्छा, मजे की बात ये 70 साल पहले की इजाद है, 70 साल से पहले वी टॉकिंग अबाउट द सेम सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, होम बेस्ड एजुकेशन या स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन है ये अभी की इजाद है, तो लोगों को दिस इज अ पोस्ट कॉलोनियल बैगेज एंड दिस इज अ पोस्ट इंडस्ट्रियल पोस्ट वर्ल्ड वॉर बैगेज व्हिच वाज सूटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ठीक है। अब ये we're basically getting back to our own origins on how we got educated, how we created thinkers like Ibn al-Haytham, like Bu Ali Sina, right? Did they go to schools? No, they did not. Let alone Ibn al-Haytham and Bu Ali Sina, aap unki baat kar le, Albert Einstein ki, right? He was basically, you know, sidelined from school. Usko to matlab ek keh dete ki yaar ye ek nalayak kisam farigh aadmi hai, right? Aap Alexander Fleming ko dekh le. Thomas Edison ke saath ye hua. Let's think about what would have happened with Edison, for example, had he been, you know, schooled in this schooling system. We wouldn't have even had the light bulb. So ye cheez jo hai na, hum logon ko we need to, like, you know, educate the masses community level pe. Pakistan is a very encouraging thing that's happening. Ek natural organic रिएक्शन एक लोगों का आ रहा है, एक बिकॉज यू नो पीपल हैव बीन पुश्ड टू द कॉर्नर, ठीक है, उधर से प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, द गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंटली मिसमैनेजिंग एजुकेशन, ठीक है जी, तो द पीपल आर नाउ लाइक यू नो लेंडिंग एयर टू दिस एंड दे आर अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरीज व्हेन इट कम्स टू होम एजुकेशन। श्योर थिंग, ये दो भी प्रॉब्लम, सो लाइक आई सेड इन माय प्रीएम्बल एज वेल, किड्स, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स ओनली बिकॉज़ वी ऑल आर फेसिंग दैट, बीइंग फादर, बीइंग मदर्स, बीइंग पेरेंट्स, हमें ये इश्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो हम उस पर डिस्कशन करते हैं। वन माइट बी के ठीक है जी के वी जस्ट आप एंड वी स्टार्ट टॉकिंग एट द राइट टूल्स और सिस्टम को चेंज करने की बात करें, लेकिन मुझे वो अभी कोई उम्मीद ऐसी नजर आती नहीं। सो ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई होगा, वन ऑफ देम इज होम स्कूलिंग, जो कि आप जिसकी तरफ गए हैं। इट्स अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट, आई एम अनएबल टू ग्रैब इट, सो नाउ आई एम गोइंग टू आई विल ट्राई कि मैं आपसे उसको समझ सकूं कि वो है क्या, बेसिक होम स्कूलिंग है क्या। ऑलराइट, सो होम स्कूलिंग इज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल स्कूलिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल स्कूलिंग, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग क्या, इट इज कन्फॉर्मेंस, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, उसी में से आपने पास होना है, उसी में से आपने एक एक प्रोड्यूस आपकी निकलनी है। होम स्कूलिंग जो है, इट होन्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनस्कूलिंग आवर माइंड्स, ठीक है। हम ये कहते हैं कि यार, अगर हमने लर्नर्स बनना है एंड वी वांट टू बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, ठीक है, वी नीड टू गिव अप द नोशन दैट यू नो एजुकेशन इज समथिंग दैट विल ओनली कम थ्रू स्कूल, राइट। दूसरी चीज जो हमने रियलाइज करने है एज अ पार्ट ऑफ द अनस्कूलिंग प्रोसेस is that learning is lifelong and it is like best done when it is out of interest, theek hai, jab aapke par compulsion dabao ya bojh na ho. Main misal deta hu aapko main kisi ko gaadi nahi chalani aati, right, aur aap kisi ko kahe ki bhai matlab aapne kisi ko gaadi chalana sikhani hai, agar aap use daant dapat ye wo karke jo ki matlab hota bhi hai us tarah se sikhayenge
तो वो बड़ा नर्वस ड्राइवर रहेगा फॉर लाइफ, बल्कि वो गाड़ी भी देर से सीखेगा. ऑन द अदर एंड जिसको आप थोड़ा सा मतलब यू नो तरीके से समझाएंगे, होन करेंगे, उसका इंटरेस्ट जनरेट करेंगे कि यार तुम्हें गाड़ी क्यों ड्राइव करनी है, व्हाई डू नीड टू हैव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, व्हाई दिस व्हाई दैट, यू नो दैट पर्सन विल बी यू नो मोर अडैप्टेबल टुवर्ड्स लर्निंग, ही विल बी मोर फ्लेक्सिबल. लाइकवाइज चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड वी नीड टू रियलाइज इज एन इंडिविजुअल, राइट. अब जब एक हमने बच्चे को कह दिया इंडिविजुअल है, उसके यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं और हो सकता है उसकी वीकनेसेस भी हो, राइट. अब उन स्ट्रेंथ्स को हमने कैसे यू नो मतलब हाउ डू वी होन दोज स्ट्रेंथ्स एंड हाउ डू वी ओवरकम हिज वीकनेसेस. इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू पुट 30 स्टूडेंट्स, 30 चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम विद यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड विद यूनिक वीकनेसेस एंड यू नो होन देम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट. होम स्कूलिंग ये कहता है कि यार आपका जो बच्चा है उसके पास अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ है, ही इज गॉट सम यूनिक यू नो वीकनेसेस दैट यू नीड टू ओवरकम, ठीक है. हाउ अबाउट यू नो वी बेसिकली एनालाइज दोज एंड वी जनरेट लर्निंग फॉर सेल्फ बेस्ड लर्निंग एंड इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग फॉर द चाइल्ड. फॉर दैट वील हैव टू अनस्कूल आवर माइंड. For that, we might have to get educated at home. अच्छा, एक concept इसमें ये भी आया था, बड़े लोग कहते हैं कि यार if it means education at home, does that mean कि जिस तरह हम school जाते हैं, ठीक है, हमारी 8 से लेकर 2 बजे तक classes होती हैं, bell बज जाती है, बीच में tests होते हैं, ये होते हैं, वो होता है, is that something that we start doing at home? So absolutely not. ये एक बहुत बड़ा misconception है home schooling के बारे में. So वो open-ended होता है. So it's basically open-ended. अब देखें, तीन कोर सब्जेक्ट्स हैं आपका, एक हो गया न्यूमरेसी, आपका लिटरेसी हो गया जिसमें लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती हैं, और आपके ये जो साइंसेस हैं, ठीक है, ये कोर में है, राइट. ये आप किसी ना किसी लेवल पे आपका इनसे डेफिनेटली इंटरेक्शन होना ही होना है, आपके बच्चों का इंटरेक्शन होना ही होना. आपका बच्चा पैसे जमा कर रहा है तो ही नीड्स टू नो कि यार मेरे पास कितने पैसे हो गए. वो जाके दुकान वाले से ख़रीद रहा है तो ही नीड्स टू नो, राइट. अच्छा, बस अब वहाँ से उसका आप इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है. वो अगर बुक्स पढ़ रहा है तो शुरू में मतलब यू नो उसको पेरेंट पढ़ के दे रहा है, वो 3-letter words पढ़ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मतलब अगर मजीद पढ़ना है, एंड ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम रीडिंग व्हाट ही लाइक्स, इट विल जनरेट एन इंटरेस्ट फॉर हिम टू जस्ट पिक अप दैट बुक अंटिल ही रीड्स अ 7-letter word, यू नो. एंड देन यू नो वो जो एक ऑर्गेनिक लर्निंग होती है वो इट्स वेरी डिफरेंट. अच्छा, साइंस हो गया मिसाल के तौर पे, एक बच्चा कहता है यार आई एम बोर्ड विद साइंस, उसको आप टेक्स्ट बुक पढ़ा दो, उसे कहते हैं यार आई विल टेस्ट यू ऑन दिस एंड दिस, आई एम बोर्ड, आई डोंट वांट टू डू इट, फॉर एग्जांपल. इवन मैथ्स में भी ये कह देता है, आप उसे समझाते कि यार अच्छा व्हाट डू यू लाइक, कहते हैं यार आई लाइक बेकिंग, बेकिंग इज फिल्ड विद साइंटिफिक रिएक्शंस, ठीक है ना. आप उसे कहते हैं यार देखो ये हीट है, ये यीस्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, यू नो आप इसमें शुगर ऐड करोगे, सॉल्वेंट और सोल्यूट का कॉन्सेप्ट है, सो मेनी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स. वो जो ऑर्गेनिक लर्निंग है ना, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट विल नेवर हैपन एट अ टिपिकल स्कूल, वेदर इट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ टीचर टू हैव 30 स्टूडेंट्स विद दोज यूनिक इंटरेस्ट. एक ही वक्त में एक बच्चे का इंटरेस्ट हो, वो भी एक दिन में, हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट होता है एज एडल्ट्स. तो या गोइंग बैक टू दिस, सो बेसिकली जो इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग है, उस चीज को कैपिटलाइज करते हुए बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग करवाना. अच्छा, इसमें पेरेंट का जो रोल है ये भी समझना जरूरी है. कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब है कि पेरेंट टीचर बन जाए, नॉट एट ऑल. पेरेंट को टीचर बनना तो वो अपनी पेरेंटिंग की जो एक यूनिक रिलेशनशिप है वो लूज कर जाएगा, ठीक है. इट विल बिकम अ जॉब, एंड यू नो इट्स अ बिट अच्छा ये भी करना पड़ेगा. एक तो इसका मतलब एफर्ट का फेसेट है कि यू गॉट टू पुट आवर्स इनटू दिस, प्लस दूसरा ये कि इसका आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी एक फर्क पड़ जाता है, राइट. तो पेरेंट का जो एक इंटरेस्ट होता है वो एक टीचर का नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट टीचर नहीं होता, एक फैसिलिटेटर या कोच का होता है, राइट. यू फैसिलिटेट अ लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है. आप बच्चों को मतलब रसाई देते हैं टू एजुकेशन, आप वो कॉन्वर्जेशंस करते हैं, आप वो यू नो एजुकेशनल मटेरियल ला के देते हैं, वेदर इट इज़ बुक्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, व्हाटएवर. यू आर इंगेज्ड, आप ओरिएंट करते हैं. आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा
कि दुनिया के जो बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं उनके जो कोचेज होते हैं वो वर्ल्ड लेवल चैंपियंस नहीं होते, देर जस्ट मेंटोर्स, देर जस्ट कोचेज, देर जस्ट फैसिलिटेटर्स. उनको बताते चाहिए तुमने ये यहाँ पे, यू नो, वो एक इंटरेस्ट को, दे कीप दैट थिंग देयर, दे कीप द मोमेंटो, ठीक है, एक वो मोमेंटम एक वो लगाई रखते हैं उस चीज का, बट दे बेसिकली एनेबल दिस लर्नर टू लर्न ऑर्गेनिकली. तो ये होम स्कूलिंग का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है. बेसिक में आपसे जो लेमैन सवाल आता है ना वो करूंगा, जैसे आपने अभी कहा कि सबसे पहले तो बच्चे का, सबसे पहले माँ बाप का ये कंसर्न होता है. अच्छा, मैंने होम स्कूलिंग शुरू करा दिया था अपने बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल माय किड्स एल्डेस्ट वन इज अभी 9 नाउ, ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम का क्या आ गया, बिल्कुल, और आगे फिर वो किधर दाखिला लेंगे, कैसे होगा ये, क्या इसको कैसे मिटिगेट करेंगे? Okay, very good questions. Because देखे, and this is actually also connected to your earlier question, जिसमें आपने कहा कि यार हम लोग culturally, traditionally इन चीज़ों से कैसे रूचनास होंगे. So इसका एक तरीका तो ये भी है कि देखें, home schooling के जो approaches है ना, और ख़ास तौर पर इसमें मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, we cannot take an absolutely western approach to home schooling. ठीक है, हमारा थोड़ा सा जो एक नीड्स एंड वांट्स एंड यू नो हमारा जो करंट सेटअप है वो इस किस्म का है कि वी विल टेक सम टाइम बिफोर वी ट्रेडिशनली गेट आउट ऑफ द योक, राइट. अच्छा, अब हम लोगों ने ये है कि वी नीड टू हैव आवर किड्स एक्सेल इन देयर एकेडमिक्स एज वेल. आपका जो क्वेश्चन का थ्रस्ट है वो ये है कि हाउ डू आई एकेडमिकली मेक देम हाई अचीवर्स जब उन्होंने एकेडमिक्स की तरफ आना है. अब आपका बच्चा मिसाल के तौर पे ओ लेवल्स करता है, राइट. ओ लेवल्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि बच्चा स्कूल जाए, नंबर एक तो हम लोग ये समझ लें, राइट. ओ लेवल्स प्राइवेटली भी दिया जाता है, राइट. अच्छा, हाउ डज दिस मैप ऑन टू यू नो होम स्कूलिंग? अब होम स्कूलिंग के ना दो अप्रोचेज हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड, एक है अनस्ट्रक्चर्ड. अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड ये कहता है कि यार हम नहीं किसी करिकुलम को फॉलो करते, बच्चा एक ऑर्गेनिक लर्नर है, ठीक है, बच्चे ने मतलब उसका जहाँ इंटरेस्ट होगा हम उस तरफ चलेंगे, उसका किसी तरफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो वी डोंट केयर उसके, विच इज़ ऑलराइट, फेयर इनफ. अ चाइल्ड विल होन देयर स्किल्स. किसी बच्चे को मिसाल के तौर पर यू नो लाइक फार्मिंग का शौक है, वो अपनी गार्डनिंग से शुरू करता है और आप उसको डेवलप करते रहते हैं, राइट. किसी बच्चे को जो है ना वो पेंटिंग का शौक है, आप उसको आर्टिस्ट बना देते हैं. किसी बच्चे को यू नो मतलब डॉक्टरी का वाकई में शौक है, मतलब माई डॉटर शी लाइक शी जनरली लाइक्स बायोलॉजी एंड स्टफ, तो ठीक है, आप उसको मतलब यू नो यू बेसिकली गिव इन दोज मटीरियल्स दैट यू नो फैसिलिटेट्स हर लर्निंग. लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि यार एकेडमिक्स में क्या करना है, राइट, तो उसमें आप एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड अप्रोच पे आते हैं. अब मेरे बच्चे जो हैं, वी हैव अ हाइब्रिड अप्रोच टू एजुकेशन, इट्स अ मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. तो जो तीन कोर एरियाज हैं जी, न्यूमरेसी, लिटरेसी और साइंस, इस पे हमने एक मामूली सी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखी है. सो वी आर फॉलोइंग द कैम्ब्रिज करिकुलम फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब जो बच्चा मेरा वन में है और जो बच्चा मेरा सेवन्थ में है, ठीक है, उनके पास वो तमाम इन तीनों सब्जेक्ट्स के वर्क बुक्स भी हैं, ये वो, उनको वो बच्चे को मैं बिठा देता हूँ. अच्छा, व्हाट है, बिठाते नहीं है, मतलब वो उसकी चॉइस होती है. लेट मी करेक्ट माय सेल्फ. सो बेसिकली इब्राहिम फॉर एग्जांपल, राइट, माय सन, ही इज इन द मूड फॉर मैथ, राइट. वो बेसिकली दो महीने ही विल जस्ट कंटिन्यू ऑन मैथ, राइट, ही वोंट बी डूइंग एनीथिंग. उसकी कंटिन्यूटी और फ्लो आती रहेगी, ठीक है. अच्छा, अब उसको ग्रेड सिक्स के मैथ पे होना चाहिए था, यू विल सडनली रियलाइज दैट ही इज ऑल्सो एंडेड ग्रेड सेवन मैथ. And he's ended it in such a way ke uske concepts they're far stronger than a contemporary in school. ठीक है, अच्छा ठीक है, आप उसी वक्त मैंने, अच्छा यार इसको grade 6 science में होना चाहिए था लेकिन ये grade 4 science में, right? तो we have to unschool our minds and say यार it's not a race. ठीक है, आप अभी जो next 2 months होंगे या 3 months होंगे, एक generate करें discussion as a parent. You know, when it comes to science, when it comes to plants, animals, you know, generate that curiosity and so that he gets oriented towards science. Aista aista, wo jo hai, matlab shayad ek pura din science kare, ek pura mahina science kare,
साथ साथ उसकी अंग्रेजी भी पॉलिश होती जाएगी, जब उसका मूड अंग्रेजी का होगा उस पर बुक्स के थ्रू फैसिलिटेट करें। तो आपका जो करिकुलम वाला कंटेंट है उसके मुताबिक आप उसको टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक जो चैलेंज आ सकता है पेरेंट्स को, जैसा मैंने कहा कि तो आपका मैथ्स वो है, फिर आपका लिटरेसी वाला है, फिर आपका बिल्कुल न्यूमेरेसी लिटरेसी एंड साइंसेस। यस, फॉर एग्जांपल आई एम गुड एट लिटरेसी बट आई एम नॉट गुड एट साइंस। फेयर एनफ, ऐसे ही। तो उसको फिर आप कैसे बच्चे को वो करेंगे, चैनलाइज करेंगे, क्योंकि उसके पास तो कोई टीचर नहीं है। एक्सीलेंट, स्कूल तो ये फैसिलिटेट करता है टीचर, ऐसे ही है। आप कैसे करेंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज देखिए मतलब नॉट वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एट एवरीथिंग, ठीक है, एंड इवेंचुअली एज वी मूव अप हम लोगों को एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि मतलब मैंने जिस तरह से बताया है कि पेरेंट का रोल जो है वो एक एक्सपर्ट का नहीं, एक फैसिलिटेटर और कोच का है। इवन देन दे कैन फेस ट्रबल, मतलब एक बाइनोमियल थ्योरम में बच्चा फंस गया आपका, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, या किसी को, या मतलब किसी की मैथ्स ठीक नहीं है, किसी की लिटरेसी ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब वी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। तो उसमें ये है कि आप यू कैन यूज रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल। आज आप मतलब एआई को यूज करते हुए कोई भी टॉपिक समझना चाहें तो आप हैरान होंगे कि जस्ट एंटर दैट सब्जेक्ट, ठीक है, एंटर दैट क्वेश्चन और उसे कहेंगे यार मुझे स्टेप बाय स्टेप एज अ लेमैन समझाएं, और आपको जो उसकी समझ आएगी, ठीक है, वो किसी टीचर से भी समझ नहीं आएगी। अच्छा, एक तो ये यूज टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल काउंटलेस यू नो वेबसाइट्स भी हैं, यू नो खान अकेडमी है, IXL है, ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब के, सो टेक्नोलॉजी इज वन, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होम स्कूलिंग डज नॉट इन एनी वे स्टॉप ट्यूशंस। मिसाल के तौर पे आप ये रियलाइज करते हैं कि नहीं यार मतलब थोड़ा सा मैंने मतलब चलें ये मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, बिकॉज मैं एक उस पर जा रहा हूँ सेमी स्ट्रक्चर्ड सेटअप पे, तो मैंने ये भी देखना कि बच्चा किधर स्टैंड कर रहा है, राइट। फेयर एनफ, आप कोई असेसमेंट उसकी करवा, वैसे तो ये असेसमेंट्स भी आप मतलब यू नो बड़ी आराम से आप वो कर लेते हैं, यू नो जस्ट एंटर अ प्रॉम्प्ट इन एआई कि जी मुझे ग्रेड 6 साइंस के इस चैप्टर के लिए एक मीडियम मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी का एक टेस्ट जनरेट कर दें, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। वो ऐसे ऐसे मतलब वो क्वेश्चंस जनरेट करेगा ऑब्जेक्टिव किस्म के, जो कि आपके मतलब यू नो ओ लेवल्स के पास पेपर्स में और वो सारे सारा वही पिकअप करता है, राइट। अच्छा, फिर आप ठीक है, आप अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं, यू वांट टू गो स्टेप फर्दर, यू कैन आल्सो गो इनटू ट्यूशंस, यू कैन गो इनटू लाइक यू नो एकेडमीज, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि जी अच्छा ठीक है, आप तो मतलब यू नो उस पर हम लोगों ने असेसमेंट भी करनी है कि हमारे मतलब वेयर डज ही स्टैंड, व्हिच परसेंटाइल इज दैट चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीजें आपने मतलब यू हैव टू यूज दीज टूल्स एट योर डिस्पोजल, आपने खुद से एक्सपर्ट नहीं बनना। इस तरह तो फिर मतलब यू नो एवरीबॉडी विल जस्ट लाइक बी अ टोटली डेडिकेटेड टीचर टू द चाइल्ड, दैट्स नॉट द एम। क्योंकि कुछ होम स्कूलिंग मॉडल्स मैंने यहाँ पे देखे पाकिस्तान के अंदर, कुछ लोग चला रहे थे, तो व्हाट दे डिड इज के उन्होंने वही जो आपने शुरू में कहा ना कि उन्होंने एक रूम जो है घर में वो बना दिया ये क्लासरूम, जी जी जी, और वहीं पे सुबह से लेके 8 बजे से लेके 12 बजे तक बच्चे वहाँ बैठे हैं, तो एक दो टीचर वहाँ पर आते हैं और वो उनको पढ़ाते हैं, तो चले जाते हैं, उसके बाद बच्चा फ्री होता है। एक वो भी मॉडल होम स्कूलिंग में चल रहा है, तो यू आर अगेंस्ट दैट मॉडल? देखिए, दैट is typically what homeschooling should not be. You are not supposed to bring the school at home. वो उल्टा और भी फंस जाएगा बच्चा कि यार स्कूल में तो मैं फंसा फंसा जकड़ा जकड़ा रहता ही था, अब मुझे घर में भी अम्मा अब्बा के साथ जकड़ा जकड़ा रहना पड़ता है। दोस्त थे और ये वो, और तो वो चीजें जो है मतलब अगर आप इधर से उधर उठा के वो कर देते हैं तो then that means you have not internalized the concept of unschooling. ये हमारा जो एक माइंडसेट है, एंड यू नो इट्स फॉर नेचुरल रीजंस, बिकॉज 70 साल से हम यही देखते रहे हैं, अगर तालीम हासिल करनी है तो आपने स्कूल जाना है। शुक्र है कि स्कूल ने हमें अभी तक ये नहीं कहा कि बच्चे को चलना सिखाना भी हम नहीं है, वरना वी वुड हैव बीन सेंडिंग आवर किड्स टू वॉक टू लर्न हाउ टू वॉक एज वेल। सी, लर्निंग इज ऑर्गेनिक। बच्चा जो है मतलब खाना पीना सीख लेता है स्कूल जाने से पहले, ठीक है, वो अपना चलना सीख लेता है जाने से पहले। जस्ट इमेजिन अगर आप उसी को रिटेन किए रखते हैं तो वो और कितनी चीजें सीख सकता है। चिल्ड्रन फंडामेंटली लर्न फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी नहीं वो सिर्फ और सिर्फ एक वहाँ पे एक स्पीकर होगा
एंड ही विल जस्ट टेक थिंग्स, ही विल नॉट क्वेश्चन. अगर वो क्वेश्चन करेगा ही माइट बी रिडिक्यूल्ड. ठीक है, एक इंटेलिजेंस का इंतहाई नैरो किस्म का हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया कि यार अगर इतने नंबर आएंगे तो ये सियाना है, अगर इतने नंबर नहीं तो बंदा नलायक है, इसको साइड पे कर लो. ठीक है, उसके बाकी स्किल्स का क्या बना, वो तो टीचर नहीं होन कर सकती, बिकॉज वो अगर उसके ऊपर अटेंशन देगी तो बाकी 29 स्टूडेंट्स का क्या करेगी. ठीक है, इंटेलिजेंट हो, वो क्रिएटिव थिंकर्स हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वो जो एक वही अगेन इंडस्ट्रियल अप्रोच के अच्छा यार अगर इसके पास कोई डिग्री ना हुई, इसके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम के पीछे बैकग्राउंड ना हुआ तो ये कल को मैं तो चला जाऊंगा तो वे वो क्या करेंगे. यस, तो योर शी विल बी स्टैंड. तो इसका तो ये पहले ये इसका तो उसके बाद पहले निकल रहा है. Important to understand this. This is very important because obviously, matlab, we are the, you know... We're trying to empower our kids. Yes, we're trying to empower our kids. But like I started off with saying that we don't know what's happening in the next 5 years. How would we know what is happening in the next 60 years for which we're empowering them for? Ek to ye baat ho gayi. Theek hai? Achha, dusri baat. Yahan par main ye bahut zaruri samajhta hoon, ye mention karna, ki agar academically bhi aap homeschooling ko challenge or test pe dalte hain, so I am willing to accept that challenge from anyone. Academically, I am willing to introduce people in Pakistan and overseas who have excelled more than their school-going counterparts. ठीक है, एक हमारे बल्कि पाकिस्तानी हैं, गालिबन आसिम कुरैशी उनका नाम है. उनके माशाल्लाह 3 बच्चे, ठीक है, उनके मेरे ख्याल से एक बेटी अभी ऑक्सफर्ड में गई है. ठीक है, शी वॉज इंटायरली होम स्कूल्ड. उनके ग्रेड्स जो हैं वो सारे के सारे, मतलब यू नो शी इज़ हैड इट इन हर एज. हमारा जो अपना कम्युनिटी ग्रुप है इस्लामाबाद का, होम स्कूलिंग इस्लामाबाद, उसके अंदर 3-4 ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों ने ओ लेवल्स में 8 एज लिए हैं. ठीक है, ए स्टार्स लिए हैं 4 इन ए लेवल्स. सो व्हाट दिस बेसिकली टेल्स मी इज़ कि एकेडमिकली भी आप इस चीज़ को एम्पावर कर सकते हैं. बट यू नो एक वो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग. ठीक है, तो ये जो हमारी कम्युनिटी है ना होम स्कूलिंग इस्लामाबाद, जिसमें ये सारे लोग मिल के आते हैं, वहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस तरह के आप उठा रहे हैं, ये उठते हैं कि यार नहीं मतलब ये चलो ठीक है लेकिन बट एम आई डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, मैं अपने बच्चों के साथ तजर्बाबाजी नहीं करना चाहता भाई. एंड फेयर इनफ, आई नोबडी वॉन्ट्स टू डू दैट. ठीक है, असल तजर्बा जो हो रहा है, द रियल सोशल एक्सपेरिमेंट इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन. दिस इज वॉट वी नीड टू रियलाइज. इसी वजह से हमारे जो आज आपको रिसेंटली पता ही आपके इल्म में होगा कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी हमारे जो इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं उनके अंदर डेफिसिट आ रहा है, नोबडी इज ऑप्टिंग फॉर इंजीनियरिंग. उसकी वजह ये है कि वो बेचारा इंजीनियरिंग करके करेगा क्या, क्रिएटिविटी तो है नहीं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही. ठीक है, वो थियोरेटिकल थियोरेटिकल और वो मतलब एक कन्फॉर्मेंट फैक्ट्री बेस्ड सेटिंग से, ही इज नॉट इन्वेंटिंग एनीथिंग. तो वो जो यू नो एग्जैक्टली जॉब्स भी नहीं है, ना ही वो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकता है. सो ही इज लाइक यू नो एनी ही और शी दैट चाइल्ड इज गोइंग टू लाइक यू नो बी वेरी इन इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ नॉलेज बेस्ड इकॉनमी जो करंटली हम लोग हैं, इन एन इंफॉर्मेशन बेस्ड इकॉनमी दैट्स कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग. हमें तो अब अगले 5 साल का नहीं पता कि क्या होना है. कितने बच्चे इस वक्त इस्लामाबाद में जो है, इस्लामाबाद होम स्कूलिंग कम्युनिटी है, इसमें कितने बच्चे हैं? देखे इसके अंदर वी हैव लाइक यू नो मोर देन लाइक यू नो 1000 पेरेंट्स. अच्छा, राइट, तकरीबन कोई 1100-1200 मतलब हमारे मतलब करंट, ये हमने रिसेंटली मतलब ये एक सीजन तो नहीं कह रहे, साल हो गया इसको मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया था. इससे पहले मतलब वी वर जस्ट हैविंग डिस्कशंस विद अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पेरेंट्स, तो हमने कहा कि यार लेट एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम दिस. ठीक है, तो हम लोगों ने एक फोरम सा स्टार्ट किया. तो अब उन पेरेंट्स के आप देख ले ऑन एवरेज यू नो देयर लाइक 2-3 किड्स, सो दैट विल बेसिकली जनरेट अराउंड 3000 किड्स, बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर 3-4 ऐसी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो कि मतलब यू नो होम स्कूलिंग को बहुत प्रोपगेट है, दे आर डूइंग गुड वर्क. माई पर्सनल थ्रस्ट इज दैट एजुकेशन इज समथिंग दैट शुड नेवर बी यूज्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग. Oh yes. इस पे, ये भी बहुत बड़ा ये ना, 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 ना,
बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसा देखिए सबसे बड़ा ऐतराज जो होम स्कूलिंग, एंड आई एग्री विद यू, द एलिफेंट इन द रूम इज जी मेरे बच्चे की सोच लगा, फर्स्ट वे दे पुट इट, दे थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, किसी भी आप बंदे से अगर ये बात करते हैं वो ये है कि यार बच्चा मेरा सोशलाइज नहीं कर पाएगा, एंड यू नो दैट इज़ अ वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है कि यार सोशलाइजेशन है क्या, ठीक है, एंड वॉट इज हेल्दी सोशलाइजेशन एंड वॉट इज नेगेटिव सोशलाइजेशन. मोस्ट मतलब जो प्रोमिनेंटली वट वी सींग अनफॉर्चुनेटली इज नेगेटिव, ठीक है. स्कूल्स में एक देर इज अ कास्ट सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, बुलिंग इतनी ज्यादा चलती है. अच्छा होता कुछ यूं है कि देखें बच्चा जब अपने प्राइमरी ईयर्स इस किस्म के स्कूल एनवायरनमेंट में गुजारता है कि वेयर हिज ब्रेन इज नॉट अलाउड टू नरिश, टू आस्क क्वेश्चंस. स्कूल में होता है तो इवन व्हेन वी नीड टू गो टू द वॉशरूम वी नीड टू रेज आवर हैंड्स एंड अनाउंस इट टू एवरीवन एंड फील एंबैरस्ड अबाउट इट, राइट. आप खा भी उस वक्त नहीं सकते जब आपने खाना होता है, ठीक है, जब तक आपके हाजमे का भी सिस्टम जो है ना किसी के कहने पर चल रहा होता है. रिसेस टाइम बस आपका इतना होता है, फिर आपकी इंटेलिजेंस भी उन एरिया एक बहुत ही नैरो एंगल से देखी जाती है कि अगर तुम्हारे नंबर आए तो ठीक है, वरना अगर तुम्हारे नंबर आए तो बिल्कुल ही बेकार हो, भले वो किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा तेज़ क्यों ना हो, जो कि स्कूल पढ़ा ही ना रहा हो, जिस पर कभी फोकस कर ही ना रहा हो. यू नो किड्स आर सो गुड एट स्पोर्ट्स, सम आर गुड एट आर्ट्स, सम आर गुड एट यू नो लिटरेचर, कोई मतलब फार्मिंग में है, कोई अभी तो मतलब यू नो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, दे नीड पीपल, फूड सिक्योरिटी, पीपल आर गुड एट शेफ, सम किड्स दे लव कुकिंग, they love like being in the kitchen, you know, some are interested in farming. Food security is currently the biggest subject in the west, theek hai, so it needs are evolving and changing. ab wo jo socialize kar raha hai wo conformance ho rahi hai sirf aur sirf, theek hai. acha ab teacher ne jo hai wo foot soldier nahi rahega, foot soldier bhi nahi rahega aakhir mein, because you know the evolving needs of your economy is structured in such a way that it's going to shed off the produce of today for something else tomorrow. to wo aap jab us jisse maine is baat jab shuru ki maine kaha creativity is as important as literacy. agar aapne bacche ki creativity maar di 12 saal ki negative socialization se, 12 saal usne bullying face ki, usne marginalization face kiya, usne ridicule face kiya. some people have a concept ke yaar nahi ऐसे फेस करके उन्हें बेटा बड़ा टफ बन जाना, डजंट वर्क दैट वे, दिस इज नॉट हाउ अ माइंड वर्क्स. देखिए बच्चा जो होता है ना उसकी तशबीह एक सैपलिंग जैसी होती है, एक आप छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, तो अगर आप कहें कि यार इसके ऊपर अभी पैदा होते साथ ही तूफान बरसा दो, बर्फ बरसा दो, इसके ऊपर वजन फेंक दो, वो सैपलिंग तो मुरझा के खत्म हो जाएगा, राइट. हाँ अगर आप उसको शुरू में नरिश करते हैं एक सैपलिंग को, ठीक है, उसकी तशबीह आप एक बच्चे को दें कि इफ ही इज नरिश्ड इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट लाइक अ सैपलिंग इज नरिश्ड, ही विल ग्रो अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. लास्ट क्वेश्चन आल्सो इट्स अ सब्जेक्ट इसका भी मित्र मेरा कहता है अभी सरफेस को स्क्रैच किया बट वो भी शायद श्योर, बट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पॉडकास्ट फिर मैं आपको दोबारा फोन करूंगा. नो वरीज एट ऑल. This seems to be, this is my observation, but probably I'm wrong. This seems to be, again, an elitist concept for some people who can afford homeschooling in some manner. Because there are books, good books, and good books. This is something that is maybe upper middle class or super middle class. What about those people who actually, number one, can't afford education? Number one. But they would want their children to learn or educate. ठीक है, क्या ये होम स्कूलिंग, सादा सा सवाल, क्या ये होम स्कूलिंग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी उतनी ही फिजिबल है जितना ये अपर मिडिल क्लास के लिए? देखिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये ज्यादा फिजिबल है उनके लिए, उनके मतलब बल्कि मतलब ये सब के लिए, फॉर ऑल क्लासेस एंड ऑल सेगमेंट्स. आपने बुक्स की बात की, मैंने यही शुरू में मैंने कहा कि मतलब यू नो हम लोग इतना करंटली जो हमारा सेटअप है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है दैट वी
entirely give it a sudden knee-jerk transformation. Lekin right now hamare paas, we have online access to tremendous books. Aap PDFs download kar lete hain, right? Aap uske basically you have those books there, you can like generate, aap videos dekh lete hain. So it's not necessary to buy a book. Not necessary, theek hai? Lekin let's just look at it this way. Agar aap ek curriculum based education kar rahe hain, right, jiska hamara interest zyada hai hamari society mein, either way you will end up buying that book as well, right? Agar aap for example apne bacche ko Cambridge ki education pe dal rahe hain, right, aap grade 7 ki, aapne uski bhi to kitab khareedni hai, right? Go ke main ye argue kar sakta hu ki yaar home based aap sirf topics le lein aur us pe wo chal jaye, wo ek ad hoc way of approaching the problem hai, lekin aapne school mein bhi to wo buy karna hi hai, right? But what's happening from the financial perspective, hum log is pe zara financials pe focus karte hain. There you go. Because private schooling and their tuition fees itni exponentially high hai, because they're profit making entities, right? To aap financially kahin ke bhi nahi thehrte. Think of education like a, it's like a lifelong learning journey. Acha, isme ek lifelong learning jo hoti hai, at your youth you're at your peak with anything. Aap agar physically you're at your peak, naturally as human beings, theek hai? So in terms of embracing the world and returning something to the world, you're also at your peak. Us point in time pe aapko zyada zarurat hoti hai yaar thoda sa matlab invest karna, like say for example in specialist education like universities, right? Hum kya kar rahe hain, average ek bacche ki fee jo hai O levels ki yahan pe 50,000 rupaye, theek hai? That means ek bachcha jo hai wo na na karte bhi ek saal mein 6 lakh to aap sirf tuition fees ki de rahe honge usko, books alag, ठीक है? अब आप 12 साल में उसका आप अंदाजा लगा लें, ठीक है? करोड़ रुपए तो आपने यहाँ लगा दिए, भी हम बुक्स और उसके ट्रांसपोर्ट और वो जो एक फटीग है, स्कूल आना जाना, बुलियंग के साथ इंटरेक्ट करना, कन्फॉर्मेंस, पता नहीं तरह तरह की, मतलब वो उनके इश्यूज एंड इररेलेवेंट एक्टिविटीज जो स्कूल में, मतलब जैसे कहते हैं ना, बेल्स एंड व्हिसल्स हैं सिर्फ और सिर्फ, कोई मतलब इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग या क्रिएटिविटी को इनकल्केट करने वाली चीज़ है नहीं. उसका जो ओवरहेड है वो इतना ज्यादा है फाइनेंशियल. आप सिर्फ ट्यूशन फी को देख लें, उसके ऊपर जो उसके जो आपके एक्स्ट्रा ओवरहेड्स हैं उनको ऐड अप कर लें, तो इट इज इजीली द अमाउंट दैट इज नीडेड फॉर अ टॉप नॉच यूनिवर्सिटी एनीवेयर, राइट? अब आप क्या कर रहे हैं, हम लोग वो पेरेंट्स जो है ना बेचारा वो एग्जॉस्ट हो जाए बाय द टाइम द चाइल्ड फिनिशेस स्कूल. अच्छा, एक तो financially exhaust ho jata, dusra ye, aap imagine you're running a marathon, aapne sari speed jo hai wo shuru mein laga di, aapka jo bachcha hai wo mentally exhaust ho gaya. Acha, ab wo exhaust bhi us point aur us daire pe jaake hua hai jahan pe usko peak performance pe aana hai. So do you see that there is a contradiction in how we, it's like literally financially bhi this current system is gloom and doom. तो देयरफॉर मतलब इसको फाइनेंशियली अगर आप देखें तो इट इज मोर फीजिबल. सॉरी, इसमें एक चीज मैं जरूर ये मेंशन करना चाहूंगा कि हम लोग जो एज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, राइट, देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि होम स्कूलिंग के अंदर पेरेंट्स के नॉट डेडिकेट दैट मच टाइम एंड प्लस एक्सपर्टीज का एक इशू है. हमने कहा कोचिंग एंड फैसिलिटेशन एक जरूरी है. एक मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है और वेस्ट में भी चल रहा है और जो मतलब ज़रा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जापान एंड ऑल दीज कंट्रीज, फिनलैंड, वो हाइब्रिड स्कूल्स का है. हाइब्रिड स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जी आपका बच्चा जो है वो न्यूमरेसी लिटरेसी वगैरह जो है वो उनमें वी विल प्रोवाइड फैसिलिटेटर्स एंड कोचेज. फंडामेंटली इट्स नॉन प्रॉफिट, ठीक है? देयर कोचेज, आपने एक जापानीज सिस्टम सुना होगा कुमॉन का. Kumon is an education system जो कि बच्चे की सेल्फ लर्निंग को जो है वो इंकरेज करता है और उसको फैसिलिटेट और एनहांस करता है. द टीचर्स जस्ट देयर व्हेन द चाइल्ड गेट्स इनटू एब्सोल्यूट ट्रबल, जस्ट पॉप्स एंड लुक्स एट समथिंग, स्टेप्स बैक एंड लेट्स द चाइल्ड लर्न एज वेल. इसी तरह के हाइब्रिड स्कूल सेटअप करना पाकिस्तान में इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये जो हमारी करंट जो जिसको एजुकेशन इमरजेंसी कहा गया है, हमारे 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, अगर हम लोगों को फेडरल गवर्नमेंट किसी तरह से फैसिलिटेट करती है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली शुरू भी किया है,
कि वो पब्लिक स्कूल्स को ना ज़रा वो हैंड ओवर कर रहे हैं टू प्राइवेट एंटिटीज़, लेकिन नॉट टू हैंड दम ओवर टू दो सेम पब्लिक एंटिटीज़ दैट आर देयर फॉर प्रॉफिट मेकिंग. आप उसको सेल्फ हेल्प बेसिस पे उनको सिर्फ और सिर्फ वो जगह फराहम करें कि वहाँ पे हाइब्रिड स्कूल सेटअप करें नॉन प्रॉफिट. ठीक है, टीचर ने आना है, उसने अपनी सैलरी लेनी है, लेकिन जो उसको रन करें ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी वो होगी, बट इट शुड बी अ नॉन प्रॉफिट सेटअप. ठीक है, आप कॉस्ट्स को रिड्यूस करेंगे, आप मीनिंगफुल हाइब्रिड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप ऐसे टीचर्स लेकर आएंगे उसके अंदर. टीचर्स की हमारे पास कमी नहीं, वी हैव गॉट टीचर्स हु विल बी एम्पावर्ड टू एजुकेट चिल्ड्रन इन अ मेथडोलॉजी दैट दे नो वर्क्स. कुमॉन का जो सिस्टम है बेसिकली, उसमें जो बच्चा मैथ करता है या इंग्लिश करता है, आप उसको किसी भी बोर्ड में बिठा दें, चाहे आप ओ लेवल्स में बिठा दें या आप उसको मैट्रिक में बिठा दें, ही विल एक्सेल. राइट, ये वाला मॉडल जो है, ये वाला मॉडल अनलेस एंड अंटिल वी डू नॉट, एक तो हम स्टूडेंट को एम्पावर कर रहे हैं, बट देयर कैन बी नो स्टूडेंट एम्पावरमेंट विदाउट टीचर एम्पावरमेंट. हम टीचर्स के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, बिकॉज टीचर आता है हम उसे कहते हैं भाई मतलब दबा के रखो इनको, ठीक है स्ट्रिक्ट हो जाओ, बस मार्क्स के बेसिस पे कंट्रोल करो. जब एक दफा टीचर को आप थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देंगे ना, ठीक है, आप उसको थोड़े से बेहतर मराहत के ऊपर एक स्कूल दे देंगे, जब आपका ओवरहेड हट जाएगा स्कूल की बिल्डिंग कॉस्ट का, आपके एक्स्ट्रॉर्डनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हट जाएंगे, यू विल बी एबल टू जनरेट हाइब्रिड स्कूल्स. हाइब्रिड स्कूल्स आर द सॉल्यूशन एंड द फ्यूचर एंड द सॉल्यूशन टू पाकिस्तान्स एजुकेशन इमरजेंसी. दिस सॉल्यूशन इज एन अपॉर्चुनिटी इन द फेस ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून दैट वी आर फेसिंग. तो इसकी तरफ हम लोग बट यार हमारी कन्वर्सेशन खत्म नहीं हुई. Parents के भी कोई training का concept क्या इस homeschooling अंदर है, या it's just something that they learn on the way. तो इसपे हम will have a discussion. इस पे yes, there's extensive things that can be done. मतलब communities, co-ops, इस तरह की चीजें, but like you said, ये बजाते खुद it's a very lengthy kind of a topic and we can like definitely delve into that. ये जरूरी मैं कहूँगा कि any parent who's interested in homeschooling, खासतौर पे मतलब यू नो इन पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, दे डेफिनेटली नीड टू लाइक यू नो जॉइन द कम्युनिटी. होम स्कूलिंग इस्लामाबाद वाली कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन करें. और दूसरी चीज़ उसमें यह है कि वी आर एक्चुअली मूविंग अहेड विद प्लानिंग अ वेरी लार्ज फेस टू फेस इवेंट वेयर एक्चुअली सक्सेसफुली होम स्कूल चिल्ड्रन विल बी टेकिंग द लीड. ये हम लोग इंशाल्लाह टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं इन इस्लामाबाद. इस चीज को जो है मतलब यू नो दे शुड ऑल कम टुगेदर एंड यू नो वो भले आपके बच्चे होम स्कूल ना भी हो रहे हैं, देयर स्कूल चिल्ड्रन, आके देखें, आस्क क्वेश्चंस, सी व्हाट्स हैपनिंग एंड जॉइन द रेवोल्यूशन. और आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हो अगर वो आप मुझे प्रोवाइड कर दें आफ्टर द प्रोग्राम, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट. श्योर थिंग समथिंग जो के सर्टेनली. आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ. ये जो सब्जेक्ट था, मैं बहुत पहले की बात है कि एक स्कॉलर था बैठा, ही वाज अ रिलीजियस स्कॉलर एंड आई आस्क्ड हिम अबाउट द नॉलेज थिंग, कि नॉलेज क्या होता है. तो उन्होंने मुझे कहा कि मारूफ को छोड़ देना और मजहूल को हासिल करना, मीनिंग कि मारूफ वो जो नोन चीज़ें होती हैं, जैसे उमर भाई ने कहा कि बच्चा खुद सीख रहा होता है चलना भी, क्रॉल करना भी, उसको पता होता है सेफ क्या चीज़ है, उसे पता होता है कि करंट कहाँ से आ रहा है एकदम तजर्बा करने के बाद. तो वो जो मारूफ चीज़ें होती हैं उनको आप नहीं सिखाते दोबारा, उसको दोबारा ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉल नहीं सिखाते. और मजहूल जो कि उसके लिए अननोन चीज़ें होती हैं उसको आप एक्सप्लोर करने पर उसको लगाते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी मच मिसिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम. और आई होप के इस तहरीक का जो हमें लेके चल रहे हैं इस वगैरह उसमें हम भी कुछ अपना पार्ट डाल सकें. और ये जो एक फियर फैक्टर है हमारे यहाँ भी, मेरे घर पर भी, उसको भी मैं ख़त्म कर सकूँ और अपने बच्चों को मैं इस साइड के ऊपर इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँ. आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं नई गुफ्तगू के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.